खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। नए कानून से मुकदमे जल्द निपटेंगे। तो तीन नए कानून देश में लागू हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये तीन नए कानून लागू किए गए हैं। नए कानून की खासियत यह है कि आतंकवाद को परिभाषित इसके जरिए किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह अपराध बना है। मॉब लिंचिंग में आजीवन कारावास, मौत की सजा, पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। तीन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटल। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं। तलाशी जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। 7 साल केस में फोरेंसिक विशेषज्ञ जुटाना अनिवार्य। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। भगौड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में चलेगा मुकदमा। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। आतंकवाद को इस कानून के जरिए परिभाषित किया गया है। तो इन तीन नए कानूनों की क्या कुछ खासियत है ये भी आपको बताया। तीन नए कानून जो अब देश में लागू हो चुके हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023, ये तीन नए कानून अब देश में लागू हो चुके हैं।